हम लोग हैं खुदनेश्वर मंदिर जो कि मोरबा प्रखंड में है। आज यहाँ पे कार्यक्रम था नित्यानंद राय जी का। इसी कार्यक्रम में आए हम लोग तो एक हमारे साथ हैं प्रदेश के नेता, उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी राय जानते हैं। नमस्कार सर, आप कुछ पहले अपने बारे में बताइए। मैं पहले सेना में था, सेना से कैप्टन के पद से रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैंने भाजपा को ही अपना समर्थन दिया और मुझे लगा कि राष्ट्र के लिए भाजपा ही काम करती है, इसलिए हम भाजपा ज्वाइन किए। भाजपा में ज्वाइन करने के बाद अनेक दायित्व पर रहते हुए दूसरी बार मैं प्रदेश के महामंत्री हूँ और महामंत्री बन के पूरे बिहार में लगभग 36 जिला हैं और भाजपा के चुनावी दृष्टिकोण से 45 जिला में 34 बार हमारा चल रहा है। हर जिला में हर लगभग विधानसभा हर जिला में मैं प्रवास कर चुका हूं और हर जिला में हमारा ओबीसी का संगठन है। संगठन के माध्यम हम ओबीसी के महामंत्री हैं, संगठन के नाते हम हर जिला में हमारा एक अलग अलग टीम है। तो आप जो है टीम को भी लीड करते हैं, पार्टी को भी लीड कर रहे हैं, बीजेपी को लीड कर रहे हैं प्रदेश, बिहार प्रदेश में। तो मेरा एक सवाल है, क्योंकि अभी बहुत सारा मुद्दा चल रहा है, यूपी में भी चुनाव होने वाला है, तो इसको लेके एक तो यूपी चुनाव की तैयारी, दूसरा महंगाई, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जो पूछना चाह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इतना दिन से भोजन करवा रहे हैं, हमारे जितना भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज मुफ्त वैक्सीन, इस पर अभी जैसे आपने देखा कि डीजल का भाव, पेट्रोल का 10 रुपये प्रति लीटर डीजल का भाव कमा है, 5 रुपये प्रति लीटर लगभग पेट्रोल का भाव कमा है, तो आने वाला समय में ये महंगाई दर, बीच में थोड़ी परेशानियां आई हैं, आने वाला समय में अब हमारा देश पटरी पर आ गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा देश और बिहार अभी लेवल में आ गया है और बहुत जल्द हम हर चीज़ पर काबू पा लेंगे और इससे कोई घर हम लोग बहुत लोगों का कहना है कि अभी यूपी में चुनाव है इसलिए जो है सो पेट्रोल डीजल का दाम कम किया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष, यूपी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के मुख्यमंत्रियों, जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री को कहें कि मैं तो यहाँ अपना वेट कम कर दिया हूँ, आप स्टेट में भी वेट कम, जो हमारा महंगाई कम करें, वेट जो है उसमें कम करें, पूरे देश पर है। अब देखना ये कि अब हमारे नीतीश कुमार जी बिहार में कब तक कर रहे हैं, उनके अब जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उनमें वो अपना फैसला लेंगे और क्या कर रहे हैं अब नीतीश कुमार जी के। यूपी चुनाव के लिए आप क्या कहेंगे? यूपी में बहुत प्रचंड बहुमत से फिर आदित्यनाथ योगी जी का सरकार बन रहा है और अभी जो है जातिवाद जो राजनीति चल रही है, बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जबकि जिस प्रांगण में अभी हम लोग जिस मंदिर में खड़े हैं ये भी एक प्रतीत है हिंदू मुस्लिम एकता का। तो ये बीजेपी को सब इंडिविजुअली मुस्लिम की, हिंदू की पार्टी कहती है, इस पे आप क्या अपना राय देंगे? ये अपना अपना उनका वोट बटोरने के लिए जो अदर पार्टी है, जो हमारा विपक्षी दल है, वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास, सबका प्रयास, इस पर काम कर रही है। भाजपा हिंदू मुस्लिम पर काम नहीं कर रही है, भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर काम कर रही है। और आज आप सोचेंगे कि अगर ये बात होती भाजपा के मन में तो 3 तलाक बिल लाने का भाजपा का क्या मतलब था? 3 तलाक किसके लिए आया? उस मुस्लिम महिलाओं के, जब जिस महिलाओं का तलाक होता है वो भी किसी की बेटी है तो किसी की बहू है, जब वो बहू बेटी त्रस्ती है और बहू वाला निरस्त करता है तो उनकी बेटी जो छोड़ने वाली जो है उनको 3 तलाक लेने वाला उनकी बेटी का अगर इस तरह का बीते तो क्या होगा? तो भाजपा सबके बारे में सोचती है और अभी जो मदर, अभी आप बताइए, अगर ये भाजपा मुस्लिम के बारे में नहीं सोचती तो अरब के लिए इतना जो मक्का मदीना जाते हैं इनके लिए पासपोर्ट कितना 1000 करोड़ ज़्यादा बढ़ाया, जितना भी उनका श्मशान, हम लोग श्मशान हिंदू में श्मशान बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, कब्रगाह का गिरवाया किसने है? ये भाजपा की सरकारी गिरवाई है, उससे पहले तो गिरवाया नहीं, लालू जी तो नहीं गिरवाए थे।
मतलब कि कहीं ना कहीं विरोधियों का जो होता है वो ये सब जी, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स राजनीति है ये, और राजनीति में इसी तरह का होता है। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे आज जो नित्यानंद राय माननीय जो नित्यानंद राय आए हैं उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गृहराज मंत्री नित्यानंद राय जी यहाँ पर पधारे और उनका ये क्षेत्र भी है उजियारपुर जहाँ से वो जीत के जाते हैं, और इस मंदिर के विकास के लिए और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के लिए और संस्कृत विद्यालय और उनके द्वारा जो आज घोषणा की गई है कि तीर्थ के लिए जो है या काशी मथुरा हो या कहीं भी तीर्थ के लिए एक गाड़ी उनके द्वारा से 5 परिवार प्रत्येक महीना जो है से तीर्थाटन करवाएंगे, जो लाचार है, वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, जिनके पास पूंजीपति नहीं हो पाता है, अपने माँ बाप को तीर्थ नहीं करा पाते हैं, उनके लिए वो व्यवस्था की है। इनके लिए नित्यानंद राय जी को बहुत बहुत साधुवाद, और आज बड़ी गौरव की बात है कि आज जब तक हमारी संस्कृति और हम अपनी संस्कृति को लेकर के ही चले हैं और चलेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। जो भी देश का विकास हुआ है, जापान हो, चीन हो, रसिया हो, तो अपनी संस्कृति को वो छोड़े नहीं है और हम लोगों ने पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का अनुकरण किया। बाबा खुदनेश्वर स्थान मंदिर के प्रांगण में माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी जो आके जो आज गौ पूजा और जो है केदारनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी जो शंकराचार्य जी का मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, उन्हीं के कार्यक्रम जो अपने मोड़वा उजियारपुर लोकसभा अंतर्गत मोड़वा विधानसभा में बाबा खुदनेश्वर स्थान जो एक बहुत ही बड़े जो हिंदू और मुस्लिम एकता को जो है प्रतीक है जो कर रहे हैं इस जो है राष्ट्रीय। आपको लगा कैसा? ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा ढंग से हम लोगों ने कार्य किए हैं, बहुत अच्छा लगा। सारे लोग आए, गांव माता की पूजा भी हुई और बाबा भोला खुदनेश्वर स्थान में उन्होंने पूजा अर्चना किए, इसके बाद गाय माता की पूजा हुआ, इसके बाद लोगों के बीच संबोधित किए। आप तो पार्टी में भी है ना, किस पोस्ट पे हैं? जी, मेरा नाम हरि प्रसाद पोद्दार हुआ, मैं मोड़वा दक्षिणी पंचायत के उत्तरी उपाध्यक्ष मंडल के पद पर हैं। बीजेपी से? जी, बीजेपी से हैं। अच्छा, और कुछ आश्वासन दिया कि नहीं? देखिए, हम लोग उनसे रोजगार में कुछ कहे हैं कि देखिए हमारा गांव विकास होना चाहिए, जब गांव विकास होगा तो शहर विकास होगा, और शहर विकास होगा तो जिला विकास होगा, जिला विकास होगा तो राज्य विकास होगा,